Why me? अरे why not? I love you. तो यार आ चुका मेरे को न्यू इंस्टाग्राम रील्स का वायरल वीडियो लेकर के। ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, और अगर आप अपने फोटो या वीडियो को साथ में बना के अपलोड करते हो ना, तो आपके वीडियो ज़रूर से वायरल हो सकता है। क्योंकि ये वाला वीडियो बनाना देखो बहुत ही आसान है, और इंस्टाग्राम पे वायरल होना भी इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे टोटल अभी ऐसे ही वीडियो ज़्यादा चलते हैं, और आपका वीडियो भी ज़रूर वायरल हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक दिया है, दोनों को जाकर डाउनलोड कर लेना, और आप उनको एक से दो स्टेप फॉलो करके और ऐसा वीडियो या आपके फोटो के साथ में या वीडियो के साथ में कंप्लीट तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको VN ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर तुम नए हो तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पे जाना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक ऑडियो के नाम से एक वीडियो के नाम से, दोनों को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले मैं जो वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से वीडियो आपको भी ऐड कर देना है। वीडियो को ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से इसका साउंड म्यूट कर देना है। वो म्यूट आपको हो सकता है ऑलरेडी मिल जाए, तो आप ये मत सोचना कि साउंड क्यों नहीं है, ठीक है। आपको इसके अंदर साउंड ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आपको जो इसके वाटरमार्क को डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आना है, फिर आपको जो टेप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है, फिर आपको जो है म्यूजिक पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है प्लस के ऑप्शन पे जाना है, और आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो ऑडियो के नाम से एक वीडियो और मिला था ना, आपको उसको ऐड कर देना है। जैसे कि वो वीडियो जो ये वाला है, ठीक है, उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको जो है ओके कर लेना है। मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर लिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले से जो ऑडियो को ऐड करके रखा हुआ है, तो मैंने जैसे कि ऑडियो को यहाँ से ले लिया, तो मैंने राइट क्लिक कर लिया, और आपको भी राइट क्लिक कर देना है, और आपका जो ऑडियो वो निकल करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ना आपको जो प्लस के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको जो वीडियो पे जाना है, और उसके बाद आपको जो अपनी वीडियो को ऐड कर देना है या आपके फ़ोटो को ऐड कर देना है, इसी तरीके से जैसे कि तुम देख सकते हो। अगर वीडियो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर फोटो है तो वो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके और आप लोगों को यहाँ पे जो अपने फ़ोटो को ऐड कर देना है। अब मैंने वीडियो को यहाँ से जो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि मैं यहाँ से जो मैंने ये वीडियो को ऐड कर दिया, और यहाँ से मैंने इस वीडियो को यहाँ से ले लिया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई और से वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्लस पर जाता हूँ, फिर वीडियो पर जाता हूँ, और मैं यहाँ जाने के बाद में इसके अंदर जो है कोई और से वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इस वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इस वीडियो को यहाँ से ले लिया, अब इस वीडियो को लेने के बाद आपका भी कोई ऐसा भी वीडियो और फोटो हो सकता है। अगर आप फोटो ऐड करते हो ना, तो आपका जो फोटो ना वो उसकी लेंथ थोड़ी कम हो सकती है, आपकी वीडियो की भी लेंथ कम हो सकती है, तो आपको इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आपको फोटो की लेंथ को या वीडियो की लेंथ को बढ़ा देना है। वीडियो की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, जो आपने बनाई है वही बनी है, ठीक है। फोटो के लिए आप ज़्यादा कर सकते हो इसी तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने किया है, ठीक है। अब आपका बनने के बाद आपको क्या करना है, इसका साउंड आपको म्यूट कर दिया, इसका भी साउंड यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो आपका जो वीडियो ना वो ऑडियो के साथ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका, जैसे कि तुम देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना है, जैसे कि तुम देख सकते हो पहले यहाँ पर कुछ और सा वीडियो आ रहा है, फिर आपको बाद में यहाँ पर कोई और सा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर एक कट दे देना है, या फिर हो सकता है अगर आप अलग अलग वीडियो को ऐड करो ना, तो आपको कट ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से जो कट कर लेता हूँ। अगर आप अलग अलग वीडियो ऐड करोगे तो आपके सामने प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अलग अलग वीडियो ऐड नहीं करो, अगर आप एक ही वीडियो को ऐड करो, तो आप यहाँ से कट कर लेना, तब भी आपके सामने प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ना आप कहीं से भी कर सकते हो बीच में, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से, और आप जितने चाहो उतने दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऐड करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ब्लैक वाले को ऐड करना है इस तरीके से, या फिर आपको व्हाइट वाले को ऐड करना है इस। चलो मैं व्हाइट वाले को ऐड कर लेता हूँ। अब जब ये वीडियो यहाँ पर सेकेंड वाला वीडियो स्टार्ट होगा ना, तो ये इस तरीके से व्हाइट आएगा, और यहाँ पर जो है व्हाइट व्हाइट ट्रांजिशन आने के बाद फिर आपका वीडियो आएगा, और वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। ऑडियो के साथ में वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है, तो आप लोगों को एक्सपोर्ट पे आ जाना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे अगर मेंशन करना चाहो तो मुझे कर सकते हो, वरना तो यार कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो बस यही था आज की इस वीडियो में।